फ्रेंड्स, अचानक किचन में आपका स्वागत है। आज हम केक बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, 1 कप बाकी है मैदा है, चीनी लेंगे उससे थोड़ा सा, जितना मैदा है उससे थोड़ा सा चीनी कम लिए हैं। चीनी का हम पाउडर बना लिए थे, जो नॉर्मल चीनी होता है बस उसी को मिक्सी में डाल के चला लिए थे हम। और आधा कप कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा केक में टेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी केक बनता है। आप एक बार बना के देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगता है कस्टर्ड पाउडर। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, हाफ चम्मच। ये देखिए, जितना सोडा बेकिंग सोडा डाले थे उससे कम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो केक ख़राब हो जाएगा आपका। तो हम इसको अब मिक्स कर लेंगे। हम छान लिए थे मैदा को, अगर आप मैदा नहीं छाने तो छान के ही बनाइएगा, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा केक। मिक्स कर लिए तो हम इसको साइड में रख देते हैं। और एक बाउल लेंगे, हम मलाई केक बना रहे हैं तो इसमें हम घर वाला ही मलाई डालेंगे। अगर आप आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। इससे केक बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको केक। और मलाई को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच हम तेल का यूज करेंगे, रिफाइन ऑयल। इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं रहता है, तो इसी से आप बनाएं। और तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अगर आप मलाई नहीं डाल रहे हैं तो आप उसके जगह पे थोड़ा सा तेल का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1 कप दूध का यूज कर रही है, हल्का गुनगुना है, तो इसको डाल देंगे, मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो हम फ्लेवर के वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आप तो वनीला आपके पास अगर वनीला एसेंस नहीं है तो आप उसके जगह पे कुछ और डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं या संतरा का जूस डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा केक बनता है। 1 चम्मच हम इसको ही डाल देंगे, वनीला एसेंस को हम मिक्स कर लेंगे। और जो मैदा मिक्स करके रखे थे उसको हम ले लेंगे और फिर एक बार अच्छे से मिला लेंगे। जो दूध बना के रखे हैं उसको डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे। एक बार में पूरा दूध नहीं डालेंगे हम, और अच्छे से मिक्स करना है कि गांठ भी नहीं बनना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे तो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और गांठ भी नहीं बनेगा केक में। और थोड़ा थोड़ा दूध हम डालते जाएंगे, ज़्यादा दूध गर्म नहीं लेना है, थोड़ा सा दूध और डालेंगे। अब ये ऐसा विस्कर से अच्छे से मिलाएंगे हम। पूरे इसको हम 10 मिनट से इसको फेंट रहे हैं अच्छे से, एकदम सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी केक बन के तैयार होगा। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे उतना अच्छा सॉफ्ट बनता है केक। तो देखिए इस तरह का ही चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए बेटर, नहीं तो केक अच्छा नहीं बनेगा। और मार्केट से ज़्यादा अच्छा टेस्टी घर में ही बनता है। तो इसको हम साइड कर देते हैं। और जिसमें आपको सेट करना है, आपके पास अगर केक टिन है आपके पास तो आप उसमें करिए, नहीं भी है तो बहुत आसानी से अल्मीनियम का बर्तन में आप बना सकते हैं, उसमें हम आपको बना के भी दिखाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम रिफाइन ऑयल ले लिए हैं और चारों बगल इसको अच्छे से लगा देंगे। इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और इसको चारों बगल अच्छे से फैला देंगे। और एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको हम निकाल देंगे। जो केक के लिए वेटर बनाए थे इसमें हम पोर कर देंगे, डाल देंगे कि थोड़ा थोड़ा इसे टैप कर देंगे। अगर आपके पास टूटी फूटी है तो वो डाल सकते हैं, नेचर बॉल आता है ना वो आप डाल दें तो उससे क्या होगा, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसको हम डाल देंगे। पहले से देखिए हमें कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए थे, स्टैंड को उल्टा करके रखे हैं और इसके ऊपर ये जो केक का बैटर बना के रखे थे इसको डाल देंगे। ढक्कन लगा के इसको 50 मिनट के लिए हम फ्लेम लो करके 50 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बीच में एक बार देखेंगे कि कैसा हो रहा है।
तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा ये केक बन चुका है। इसका स्टिक में नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये पक चुका है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत कच्चा है तो 5-10 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए कितना, 1 घंटा पूरा हम इसको एकदम गैस का फ्लेम लो करके 1 घंटा के लिए छोड़ दिए थे। तो हम गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तब आपको हम दिखाएंगे निकाल के। और एक प्लेट लेंगे हम, ऐसा प्लेट लेंगे और इसको ऐसे करके इसके ऊपर पलट देंगे। देखिएगा कितना आसान से निकल जाएगा मेरे केक। देखिए कितना अच्छा केक बन चुका है, कितना सॉफ्ट और फुला फुला है। देखिए आपको हम काट के भी दिखाते हैं फ्रेंड। तो बिना केक टीन का भी एकदम परफेक्ट केक बना के तैयार हो जाए बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड। अगर केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, आप देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। देखिए दबा के भी आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से आप घर में ही बना के तैयार कर लें फ्रेंड। अगर हमारी केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।